जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्याच्या कारणावरून एका 60 वर्षीय वृद्धाचा 4 जणांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. गांधीप्रसाद लकीचंद शहा वय वर्ष 60 गवडीपुरा चिखलदरा असे जखमीचे नाव आहे. यांना उपचारासाठी अमरावती येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गांधीप्रसाद शहा यांची चिखलदरा येथील देवी पॉईंट परिसरात खेळणी साहित्याची दुकान असून तेथील काही तरुणांनी शहा यांच्या दुकानाचे नुकसान केले. त्यांची विचारणा केली असता त्यांना याआधी मारहाण करून धमकीही दिली, त्यामुळे शहा यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली. याबाबत त्यांनी अमरावती काठून जिल्हा अधिकारी यांना निवेदन देऊन न्यायाची मागणी केली. खेळणीच्या स्टॉलला परवानगी द्यावी अशी मागणी निवेदनातून केली, परंतु जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्याच्या कारणावरून 3 जणांनी गांधीप्रसाद यांना बेदम मारहाण केली. अशात त्यांच्या पायाला व डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या तक्रारीवरून चिखलदरा पोलिसांनी वीरू बापूराव लबडे, राहुल गणेश वानखडे छोटू राहणार उत्तर प्रदेश, तर जगन्नाथ मिश्रा मूळ बिहार, हल्ली राहणार चिखलदरा यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे. वृद्ध गांधीप्रसाद शहा यांना बेदम मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. ही मारहाणीची घटना चिखलदरा येथील देवी पॉईंटजवळ घडली. गांधीप्रसाद शहा यांना मारहाण होत असतानाचा व्हिडिओ कोणीतरी आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला, त्यामुळे या घटनेत मारहाण करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. गांधीप्रसाद शहा यांनी 2019 मनोरंजनकरिता खेळणी साहित्य दुकान लावण्यासाठी नगर परिषदमधून परवानगी घेतली. कोरोनामध्ये त्यांच्या ओळखीचे असलेले जगन्नाथ मिश्रा यांना आपल्या परवानगीवर खेळणी साहित्य लावण्याची मदत करण्यात आली. मात्र नंतर मिश्रा यांनी गांधीप्रसाद यांना धमकविणे सुरू केले. अनेकदा तक्रारी करून सुद्धा कारवाई न केल्याने गांधीप्रसाद यांनी आत्मदहनाचा इशारा याआधी सुद्धा दिला आहे. चिखलदरा येथील नगर परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पांझडे यांनी मिश्रा यांच्यासोबत आर्थिक व्यवहार करून त्यांना परवानगी दिल्याचा आरोप जखमी वृद्ध गंगा प्रसाद शहा यांनी केला आहे. एक जगन्नाथ मिश्रा ने आकर के हमारे साथ बहुत गद्दारी कर दिया. उसने हमारे फसल धंधा हड़प कर दिया. वहाँ का CEO जो है पांझरे साहब, उन्होंने उसे क्या लेन देन करके उसको सब कर दिए, सब दे दिए और मेरा सब सामान तो फूर फूर कर दिए, सब नुकसान कर दिए और जो भी कुछ बचा है तो मेरा बंद है और उसका सब चालू है धंधा. मैंने कलेक्टर मैडम के पास 8 बार आया, 8 बार में एक बार भी न्याय मिला नहीं मुझे. वो कलेक्टर मैडम ने, एक मैडम है उनके पास भेज दिए, वो गीता बंजारे मैडम है उनके पास भेजे. उस दिन CEO भी आया था यहाँ पे, CEO पांझरे यहाँ पे आया था. वो दोनों बैठ के बातचीत करे, हमारे को बिठाए मैडम ने, वहाँ पे भी वो धमकी दिया कि साले तेरे को देख लूँगा. उसी हफ्ते में मेरे को वहाँ पर जाकर मेरे को इतना बेदम मारा और आधा किलोमीटर मेरे को घसीट घसीट के मारा कि मेरा पूरा हालत ख़राब हो गई. मैं कुछ काम के लायक अभी नहीं रहा. कहाँ की घटना है ये? चिखलदरा गौड़ीपुरा. कब की घटना है ये? हो गया 3-4 दिन आज. अब घटना क्या है, किस कारण के लिए आपको मारहाण की गई? वो घटना हमारा झूले का है. वो झूले के चक्कर में उसने, वो पांझरे ने क्या लेन देन करा है क्या, वो जगन्नाथ मिश्रा बोलता मैंने 3 लाख रुपया दिया हूँ वो पांझरे साहब को. पांझरे साहब को बोले तूने फंसा रहा है, कलेक्टर के पास जा रहा है. वो पांझरे साहब को कलेक्टर मैडम डांट रहा है, इसके लिए साले तेरे को मारी डालूँगा. कौन, किस किस ने मारा आपको? जगन्नाथ मिश्रा. वो जगन्नाथ मिश्रा का आदमी है, एक UP का, क्या नाम, छोटू नाम है उसका. एक का वीरू रबड़े नाम है, एक वानखेड़े है, राहुल वानखेड़े. ये चारों ने मिलकर मेरे को बहुत मारा, बहुत मारा. पुलिस ने कुछ शिकायत हो गई? पुलिस में रिपोर्ट, पुलिस वाला आया मार के मेरे को छोड़ दिया था. तो पुलिस वाले को किसने बोला, फोन करा, क्या करा, तो पुलिस वाला आया मेरे को उठा के दवाखाने में रख दिया. अब बाद में मेरे को पता चला कि मेरे घर का डॉक्यूमेंट जो भी था वो भी लेके गया. कौन? वही लोग.
जगन्नाथ मिश्रा वो सब। ये डॉक्यूमेंट क्या थे इसमें? वो सब हमारे झूले का जो आना जाना का जो जितना बार मैं कलेक्टर मैडम से मिला था सब डॉक्यूमेंट्स उसमें रखा था और उसमें 35,000 रुपया भी रखा था, वो सब लेके चला गया, कुछ भी मेरे पास बचा नहीं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अब मालिक ही जाने अब कौन मुझे न्याय देगा। मैं तो कलेक्टर मैडम के पास न्याय लेने के लिए गया तो वहाँ भी न्याय में नहीं मिला, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ न्याय लेने? कहाँ के रहवासी हो आप? चिकलदरा के है क्या? मैं चिकलदरा की रहवासी हूँ, मैं 25-30 सालों से चिकलदरा में ही रह रहा हूँ, अब मैं चिकलदरा में ही जी रहा था, मैं कहाँ जीऊँ क्या करूँ, अब मालिक ही जाने।